इससे पहले जो हमने लेक्चर कंप्लीट किया है उसमें एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी जो कि एक अनबैलेंस प्रॉब्लम थी। उस अनबैलेंस प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन किया था, मिनिमाइज किया था हमने कॉस्ट को, या मिनिमाइज करते हैं हम किसी पर्टिकुलर टाइम को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन टू द डिस्ट्रिक्ट दैट विल रिजल्ट इन द मैक्सिमम सेल। अलग अलग किसी भी मार्केट के लिए अलग अलग सेल्समैन हैं और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं। किस सेल्समैन को कौन सा डिस्ट्रिक्ट एलोकेट किया जाए कि हमारी सेल मैक्सिमम हो जाए, ये हमारी प्रॉब्लम। किस सेल्समैन को कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिया जाए कि सेल हमारी मैक्सिमम हो जाए। तो सबसे पहला जो स्टेप हम चेक करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम चेक करते हैं कि हमारी जो गिवन प्रॉब्लम है, गिवन प्रॉब्लम एक बैलेंस है या एक अनबैलेंस प्रॉब्लम है। तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को हम काउंट करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ रो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड नंबर ऑफ कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 5 रो एंड 5 कॉलम। तो ये एक बैलेंस प्रॉब्लम है 5 बाई 5। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है या ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है। तो प्रॉब्लम में यहाँ पर लिख के दिया गया है कि मैक्सिमाइज द सेल, न्यूमेरिकल में ऊपर लिखा हुआ है क्वेरी में मैक्सिमाइज द सेल। तो ये एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में। तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो हमने इससे पहले किया था असाइनमेंट प्रॉब्लम, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। उसमें क्या करते हैं, हम सबसे मैक्सिमम जो कॉस्ट होगी उस मैक्सिमम कॉस्ट को सेलेक्ट करेंगे और उस मैक्सिमम कॉस्ट में से सभी कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो जो हमारी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रॉब्लम में अगर मैं मैक्सिमम कॉस्ट की बात करूं तो सबसे मैक्सिमम कॉस्ट मेरी है यहाँ पर 24। सबसे मैक्सिमम कॉस्ट 24। सो इस 24 में से सभी कॉस्ट को माइनस करेंगे। यहाँ फर्स्ट के लिए देखूँ अगर मैं 24 माइनस 13 11, ट्वेंटी फोर माइनस 8 16, 24 माइनस 16 8, 24 माइनस 18 6, 24 माइनस 19 5, उसके बाद 24 माइनस 9 15, 24 माइनस 15 9, 24 माइनस 24 0, 24 माइनस 9 15, 24 माइनस 12 12, 24 माइनस 12 12, 24 माइनस 9 15, 24 माइनस 4 20, 24 माइनus 4 20, 24 माइनus 4 20, 24 माइनus 6 18, 24 माइनus 12 12, 24 माइनus 10 14, 24 माइनus 8 16, 24 माइनus 13 11, -15 9, -17 7, -18 6, -12 12, -24। तो हमारे दो स्टेप क्लियर हो गए, सबसे पहले बैलेंस प्रॉब्लम, सेकंड मिनिमाइजेशन। अब ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई हमारी। मिनिमाइजेशन में सेल्समैन ए बी सी डी ई एंड डिस्ट्रिक्ट 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करते हैं रो वाइज मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं।
फर्स्ट रो में से सबसे मिनिमम एलिमेंट है हमारा सिक्स, सबसे मिनिमम एलिमेंट फर्स्ट रो में से सिक्स, सेकंड रो में सबसे मिनिमम सॉरी फाइव, हाँ फाइव, सेकंड रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट जीरो, थर्ड रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट ट्वेल्व, फोर्थ रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट इलेवन, लास्ट रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट फोर। अब एक नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, उस नेक्स्ट टेबल में मिनिमम एलिमेंट हमारा माइनस कर देंगे इंडिविजुअल रो में से, जिस रो में जो मिनिमम एलिमेंट आया है उस मिनिमम एलिमेंट को हम माइनस कर देंगे और फिर से एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास, और ये हमारी फर्दर नेक्स्ट मैट्रिक्स के लिए यूज की जाएगी। सबसे पहले हम मिनिमम था फाइव, सो इलेवन माइनस फाइव सिक्स, सिक्सटीन माइनस फाइव इलेवन, एट माइनस फाइव थ्री, सिक्स माइनस फाइव वन, फाइव माइनस फाइव जीरो। सेकंड का मिनिमम हमारा जीरो है तो सेकंड रो में कोई चेंज नहीं होगा, फिफ्टीन नाइन जीरो फिफ्टीन ट्वेल्व, थर्ड रो में मिनिमम हमारा ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो, फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व थ्री, ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व एट एट एट, नेक्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट इज इलेवन, एटीन माइनस इलेवन सेवन, ट्वेल्व माइनस इलेवन वन, फोर्टीन माइनस इलेवन थ्री, सिक्सटीन माइनस इलेवन फाइव, इलेवन माइनस इलेवन जीरो। नेक्स्ट में मिनिमम फोर, नाइन माइनस फोर फाइव, सेवन माइनस फोर थ्री, सिक्स माइनस फोर टू एंड ट्वेल्व माइनस फोर एट, फोर माइनस फोर जीरो। ये हमारी नई मैट्रिक्स बन गई। अब रो ऑपरेशन होने के बाद हम अप्लाई करेंगे कॉलम ऑपरेशन। ये था मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना, यहाँ से हमने इस पर अप्लाई किया रो ऑपरेशन और अब हम अप्लाई करेंगे कॉलम। मिनिमम फर्स्ट कॉलम का मिनिमम एलिमेंट जीरो, सेकंड कॉलम का मिनिमम एलिमेंट वन, थर्ड कॉलम का मिनिमम एलिमेंट जीरो, फोर्थ कॉलम का मिनिमम एलिमेंट वन एंड फिफ्थ कॉलम का मिनिमम एलिमेंट जीरो। फिर से एक मॉडिफाइड मैट्रिक्स बन जाएगी। बैलेंस मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन। इसके बाद जो मैट्रिक्स होती है वो हमारी फाइनली मॉडिफाइड मैट्रिक्स होती है। जो कॉलम ऑपरेशन के बाद अब ये मैट्रिक्स बनेगी ये हमारी कंप्लीट मॉडिफाइड मैट्रिक्स होगी। और इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट रो कॉलम में हमारा मिनिमम एलिमेंट था जीरो, सो जीरो मिनिमम एलिमेंट है इसीलिए सभी में से जीरो माइनस करेंगे, एज इट इज रहेंगे सिक्स, फिफ्टीन जीरो सेवन फाइव। सेकंड में मिनिमम एलिमेंट है हमारा जीरो, माइनस करेंगे इलेवन माइनस सॉरी वन, इलेवन माइनस वन टेन, नाइन माइनस वन एट, थ्री माइनस वन टू, वन माइनस वन जीरो, थ्री माइनस वन टू। थर्ड कॉलम में जीरो एज इट इज रहेंगे थ्री जीरो एट थ्री टू। फोर्थ कॉलम में वन, वन माइनस वन जीरो, फोर्टीन सेवन फोर सेवन। लास्ट कॉलम में जीरो तो एज इट इज रहेगा जीरो ट्वेल्व एट जीरो जीरो। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं मॉडिफाइड मैट्रिक्स। ये चार स्टेप पढ़ने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है वो हमारी होती है मॉडिफाइड मैट्रिक्स। चार स्टेप ये होते हैं हमारे, बैलेंस मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन, रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। अब हम इसमें एलोकेशन करना स्टार्ट करेंगे, असाइनमेंट करना स्टार्ट करेंगे।
असाइनमेंट करने के लिए हम जीरो देखते हैं फर्स्ट कॉलम, अगर फर्स्ट रो को देखें मेरे पास दो जीरो हैं, एक और दो, तो हम इस रो में कोई जीरो सेलेक्ट नहीं करेंगे। सेकंड रो में सिर्फ एक जीरो है, इसे सेलेक्ट कर लिया मैंने। जब रो में सेलेक्ट किया है तो उसके रेस्पेक्टेड कॉलम को कट कर दिया। उसके बाद थर्ड रो में देखेंगे, थर्ड रो में फिर से एक जीरो है, अगर रो में जीरो है तो हम कॉलम को कट कर देंगे, तो ये कॉलम हमारा कट हो जाएगा। फोर्थ रो में दो जीरो हैं इसीलिए इसे कंसीडर नहीं करेंगे, फर्स्ट को हम कंसीडर नहीं कर सकते, फोर्थ को भी नहीं कर सकते क्योंकि दो जीरो हैं। उसके बाद फिफ्थ रो में एक जीरो है मेरे पास, इसे सेलेक्ट किया और कॉलम को कट कर दिया। रो वाइज देखने के बाद अब मैं कॉलम वाइज देखूंगा, फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट हो चुका है, सेकंड कॉलम में एक जीरो, सो रो को हम कैंसिल आउट कर देंगे। थर्ड कॉलम पहले से कैंसिल आउट हो चुका है, फोर्थ कॉलम में एक जीरो, फोर्थ कॉलम में एक जीरो मिली है इसलिए हम इसके रेस्पेक्टिव रो को कैंसिल आउट कर देंगे। अब मेरे पास कोई भी जीरो नहीं है जो अनकवर्ड हो, अगर अनकवर्ड अभी कोई जीरो बचती तो हम अल्टरनेट सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं वहाँ पर, या हम दोबारा से रो को देखते हैं। जीरो असाइन करने के बाद ऐसा कोई न्यूमेरिकल ना बचना बचे जिसमें कोई भी जीरो लेफ्ट रह जाए, क्योंकि ये लाइंस जो हम खींचते हैं उस तरह से खींचते हैं ये लाइंस के सभी जीरो कवर हो जाएं। अब टोटल नंबर ऑफ लाइंस देखते हैं, यहाँ पर कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज फाइव, मैट्रिक्स इज फाइव, सो कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन। जब कैपिटल एन और स्मॉल एन इक्वल आ गए तो इसका मतलब हुआ ये हमारा एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए हम देखें किस सेल्समैन को कहाँ भेजा है, ए बी सी डी ई, डिस्ट्रिक्ट वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ लिखेंगे हम सेल्समैन, यहाँ आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ आ जाएगा सेल। किस सेल्समैन को कहाँ भेजा और उसने कितनी सेल की ये यहाँ से हम अब कैलकुलेट करेंगे। तो सेल्समैन वाले कॉलम में तो हम सेल्समैन को सीक्वेंस में लिख देते हैं, ए बी सी डी ई, ए सेल्समैन, बी सेल्समैन, सी डी एंड ई, ये सभी सेल्समैन यहाँ आ गए। अब इसके बाद किस सेल्समैन को कहाँ एलोकेट किया है ये यहाँ पर देखेंगे हम। तो अगर मैं ए सेल्समैन की बात करता हूँ, ए सेल्समैन का एलोकेशन कहाँ है, यहाँ पर। अगर मैं इस अलग एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, चलो फाइव बाई फाइव की मैंने एक मैट्रिक्स बना दी, सेल्समैन ए बी सी डी ई, डिस्ट्रिक्ट वन टू थ्री फोर फाइव, जहाँ जहाँ मैंने असाइन किया हुआ है वहाँ मैं स्टार मार्क करता हूँ। एक तो असाइनमेंट किया है यहाँ पर, एक असाइन किया हुआ है यहाँ, नेक्स्ट असाइनमेंट यहाँ, यहाँ और ये पांच असाइनमेंट किए हुए हैं मैंने। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि इस ए सेल्समैन को कहाँ असाइन किया हुआ है, थ्री पर, ए सेल्समैन को डिस्ट्रिक्ट नंबर थ्री दिया हुआ है,
बी सेल्समैन को यहाँ असाइन किया गया है, इसका नंबर है 4। बी सेल्समैन को फोर्थ डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। सी सेल्समैन का असाइनमेंट यहाँ हो रहा है, इसे डिस्ट्रिक्ट नंबर 2 दिया गया है। सी सेल्समैन को सेकंड डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। डी सेल्समैन का असाइनमेंट यहाँ हुआ है और उसे डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 दिया गया है। एंड ई सेल्समैन को यहाँ असाइन किया गया है, इसका डिस्ट्रिक्ट है हमारा 5। ई का डिस्ट्रिक्ट हो गया 5। ए बी सी डी ई, ए 3, बी 4, सी 2, डी 1, ई 5, ये पांचों डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब इनकी जो सेल देखेंगे हम, सबसे पहले मैट्रिक्स से देखते हैं, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, ये हमारी मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के बाद टेबल है, इससे नहीं देखना हमें। जो भी सेल, प्रॉफिट, टाइम कुछ भी देखेंगे, जो न्यूमेरिकल में दी हुई टेबल होगी, जो सबसे पहली वाली टेबल होगी, उससे देखेंगे। ए का 3, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ये एलोकेशन है उन पर सर्कल कर सकते हैं। ए का 3 ये रहा, बी 4, सी 2, डी 1 एंड ई 5। सो ए 3 के टू सेल 12, सी 2 पर है आपकी 24, डी 1 18 एंड 20, टोटल सेल आ जाएगी यहाँ से। इसका समेशन करेंगे हम, तो समेशन इज 12 + 12 + 24 + 18 + 20, 86। तो टोटल सेल इज 86 टोटल सेल आ गई हमारे पास। और इस 86 टोटल सेल के में से और किस सेल्समैन को क्या डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, वो हमें यहाँ से पता चल गया। तो इस टाइप से अगर कोई न्यूमेरिकल मैक्सिमाइजेशन का होगा, तो पहले उसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर कोई न्यूमेरिकल अनबैलेंस है, तो पहले उसे बैलेंस करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, और उसमें कोई चेंज नहीं।